हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ सत्तू का पराठा। ये यूपी बिहार में ज़्यादा बनता है, तो आज मैं शाम को डिनर में वही बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे सत्तू का पराठा या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं, एकदम फ्री है। प्लीज़ सपोर्ट मी और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी। तो चलिए फटाफट अपना हम सत्तू का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं रहती हूँ मुंबई में, और मुंबई में सत्तू नहीं मिलता है, तो यहाँ पे भूजा हुआ चना या भूजी हुई चने की दाल मिलती है। तो मैं चने की दाल से ही बनाती हूँ। तो मैंने चने की दाल फ्रिज में रखा हुआ था, भूजा हुआ चने की दाल, तो उसको मैं रोस्ट करके और मिक्सर में पीस के सत्तू रेडी कर लेती हूँ। तो ये मैंने सत्तू रेडी कर लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटी हुई मिर्च और बारीक कटी हुई प्याज और बारीक कटी हुई लहसुन मैंने डाल दिया है, और इसमें जवाइन मंगरेल मैंने मिक्स किया है अभी, और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सरसों का तेल। सरसों का तेल में ही इसको मैश करेंगे हम, ताकि जो हाथ में हम ले ना तो मुट्ठी बांधे तो चिपक जाए, वैसा हमको सत्तू रेडी करना है, उतना सरसों का तेल हमें डालना है। तो और अब मैंने आटा गूंथ लिया है फ्रेंड। तो फ्रेंड, मैं दो तरह के बताऊँगी, जैसे बेलन से ना बेल के भी बनाया जा सकता है और हाथ से भी बनाया जा सकता है। तो बेलन से सबको सबके बस की नहीं होती है, फट जाता है, सत्तू अंदर रहता है ना तो सत्तू बाहर निकल जाता है, फट जाता है। तो दोनों तरीक़े से आप देख लीजिए कि दोनों तरीक़े से मैं कैसे बना रही हूँ। तो ये मैं बेलन से बना रही हूँ, और ये आप सरसों के तेल में बना सकते हो, मीठा तेल में बना सकते हो, या घी में बना सकते हो। तो मैं बच्चों के लिए घी में बनाती हूँ, बाकी सरसों का तेल में बनाती हूँ। तो सारे हमारे बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं इसको, सॉस के साथ या चटनी के साथ, किसी के भी साथ बच्चों को दे सकते हो, बहुत प्यार से बच्चे खाते हैं। तो गाइज, ये देखिए कैसे फटाफट कितनी अच्छी अच्छी पराठे रेडी हो रहे हैं। तो ये देखिए सत्तू कैसे बना के भर रही हूँ मैं, देखिए ऐसे। हाँ, ये यूपी बिहार का है, लिट्टी चोखा भी बनाया जाता है, इसी सत्तू से लिट्टी चोखा बनाया जाता है, और इसी सत्तू से सत्तू का पराठा मैं बना रही हूँ। तो बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए। वैसे यूपी बिहार का थोड़ा खाना आप लोग भी ट्राई कीजिए। तो ये देखिए इतने अच्छे से फूल फूल के हो रहे हैं पराठे, रेडी हो रहे हैं। ये देखिए मैं हाथ से कैसे कर रही हूँ, हाथ से कैसे फैला रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हाथ से ऐसे फैलाते हैं, ठीक है। हाँ, अब बस। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।